हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ अपने द सेकेंड वन चैप्टर, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ वायरस वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। ठीक है, वायरस वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स क्या है, इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या हैं ये तीनों चीज़ें। एक्चुअली में वायरसेस के बारे में आप लोग अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, वायरसेस होते क्या हैं। अगर हम लोग बोले कि लाइफ का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, तो मॉलिक्यूलर बेसिस पर इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, आंसरिंग हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस पर हुआ था। कैसे कि अगर हम लोग बोले कि सेलुलर लेवल पर, तो ऐसा नहीं होता है, सेलुलर लेवल से भी छोटा लेवल कुछ होता है जिसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल, वो क्या होता है, दैट इज़ वायरसेस। ओके, वायरसेस क्या है, वायरस का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था क्लास नाइन्थ में, क्लास टेंथ में भी थोड़ा बहुत वायरस मिलता है पढ़ने को। है क्या ये वायरस, आखिर में वायरस है क्या, वायरस जो कि लोगों को आज के डेट में परेशान किए हुए है, दैट इज़ कोरोना वायरस। आप लोग जानते हैं कोरोना वायरस के कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद थे, अब खुले हैं ये सब। तो क्या है कि वायरसेस बहुत ज़्यादा समझिए कि खतरनाक ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। ठीक है, एक्चुअली में इन्हें हम लोग कैटेगराइज करते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स में। क्या है ये, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स। ठीक है, क्यों नॉन सेलुलर कहा गया, और ऑर्गेनिज़म फिर क्यों है ये, क्यों, क्योंकि ये ऐसे तो एक पार्टिकल के रूप में होते हैं, मतलब जनरली ये बॉडी में, मतलब कि लिविंग बॉडी में प्रवेश करने से पहले एक पार्टिकल के रूप में होते हैं। ठीक है, बस एक नॉन लिविंग थिंग के रूप में होते हैं, मॉलिक्यूलर। बट आफ्टर दैट जब ये किसी बॉडी में इन करते हैं, तब ये अपना, मतलब जो भी लिविंग प्रोसेसेस हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं द नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स। ओके, क्या समझ में आया आप लोगों को, वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स। और हमारे एनसीईआरटी ने हमें दिया है कि दे आर ऑलवेज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ठीक है, क्या है ये ऑलवेज पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं, पैरासिटिक इन नेचर, मतलब ये हमेशा किसी होस्ट सेल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, समझ में आया बात। तो क्या है वायरसेस, सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे कि वायरसेस एक्चुअली में है क्या, जो कि हमारे एनसीईआरटी ने दिया है हमें, वायरसेस आर सब माइक्रोस्कोपिक एंड नॉन सेलुलर। ओके, क्या है वायरसेस, अगर हम लोग वायरसेस की बात करें तो ये है सब माइक्रोस्कोपिक एंड नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर स्मॉलर देन 200 नैनोमीटर। क्या है ये, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, सेमी माइक्रोस्कोपिक है एंड स्मॉलर देन 200 नैनोमीटर। ओके, मतलब समझ जाइए कि ये कितने छोटे हैं। ठीक है, तो वायरसेस के बारे में हम लोगों ने ये तो जान लिया कि ये बहुत छोटे हैं, लेकिन अब हम लोग कुछ साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, साइंटिस्ट लोगों का कॉन्सेप्ट क्या था वायरसेस को लेके, वायरसेस की खोज किसने की, ये सब टॉपिक्स हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि, या आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर हम लोग वायरल डिजीज़ का नाम लें तो एक कॉमन डिजीज़ क्या है, एक कॉमन वायरल डिजीज़ है, दैट इज़ कोल्ड। ओके, कोल्ड और फ्लू, मतलब हमें सर्दी लग जाना, या एक होता है ना फ्लू लग जाना, मतलब बार बार बुखार आना, दैट इज़ फ्रॉम इन्फ्लुएंजा वायरस, वायरल डिजीज़ है ये। ओके, कोल्ड, सर्दी लगना, ये भी वायरल डिजीज़ है। और अभी नॉर्मल डेज में, अभी के डेज में क्या है कॉमन, दैट इज़ कोरोना वायरस। ओके, कोविड डिजीज़ हमें हो जा रहा है। तो क्या है ये सब वायरल डिजीजेस हैं, वायरसेस क्या हैं, वायरसेस सब माइक्रोस्कोपिक एंड नॉन सेलुलर पार्टिकल्स हैं, और ये जब होस्ट बॉडी में जाते हैं तब हमें बीमारियां देते हैं। ओके, इन वायरसेस की खोज सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने की, जिनका नाम था, दैट इज़ लुवेनोस्की। ओके, द साइंटिस्ट लुवेनोस्की ने इसकी खोज की थी, बट वो पूरी तरह से प्रूफ करने में असमर्थ थे। सबसे पहले लुवेनोस्की ने देखा क्या, किस चीज़ में इन्होंने देखा, इन्होंने टोबैको प्लांट में देखा, तंबाकू का प्लांट होता है ना, तंबाकू का प्लांट, उसमें इन्होंने देखा कि उसमें कुछ बीमारी हो रही थी उस प्लांट में। ओके, कुछ प्रॉब्लम उसमें क्रिएशन हो रहा था टोबैको प्लांट में, तो उसके सैप को उन्होंने कलेक्ट किया, जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था उस प्लांट में,
बीमारी फैल रही थी उस चीज़ को उन्होंने कलेक्ट किया और उसे उन्होंने ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि ये तो एक ऑर्गेनिज्म टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है और ये जो है सो इसको ये बैक्टीरिया से भी छोटा है। वो कैसे इन्होंने पता किया? बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से जब इन्होंने उसे पास किया तो वो पास हो गया। ओके, मतलब बैक्टीरिया के साइज़ के पेपर से जब इन्होंने बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से जब इन्होंने उस सैप को पास किया उस ऑर्गेनिज्म को तो वो पास हो गया, जिससे कि इन्हें पता चला कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। क्या हैं ये वायरस? किससे छोटे हैं? बैक्टीरिया से भी छोटे हैं ये। ओके, तो इसीलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ये सब माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कहते हैं। ओके, तो लोवेनोस्की ने ये तो बता दिया कि टोबैको प्लांट में एक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म था जिसका नाम था टोबैको मोजाइक वायरस। उन्होंने नामकरण क्या कर दिया? TMV, दैट इज कॉल्ड टोबैको मोजाइक वायरस। किसने किया इसकी खोज? लोवेनोस्की, ठीक है, लोवेनोस्की ने किया। बट इनकी जो थ्योरी थी ये भी असमर्थ थी पूरी तरह से प्रूफ करने में। तो नेक्स्टली बीजेरिंक आए, बीजेरिंक बोल के साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि ये एक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बीजेरिंक ने बताया कि इस ऑर्गेनिज्म को, इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, ठीक है, जिसका मीनिंग है इन्फेक्शस लिविंग फ्लूड। क्या कहा गया? क्या कहा बीजेरिंक ने? कॉन्टेजियम, इसी वायरस को, मतलब टोबैको मोजाइक वायरस को ही बीजेरिंक नाम के साइंटिस्ट ने अब एक दूसरा नाम दिया, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, ठीक है। उन्होंने ये कहा इसे, क्या क्यों? क्योंकि ये मतलब और कोई काम नहीं करता, ये बस बीमारी फैलाता है, ये इन्फेक्शस चीज़ है। ओके, ये उन्होंने बता दिया बीजेरिंक ने। लास्टली एक थर्ड वैज्ञानिक है, थर्ड साइंटिस्ट, दैट इज कॉल्ड स्टेनली, उन्हें इस पूरे प्रोसेस के ऊपर, पूरे थ्योरी के ऊपर उन्हें नोबल प्राइज मिला। ओके, वायरस की खोज करने के नाम पर उन्हें नोबल प्राइज मिला, दैट इज स्टेनली को। ओके, तो ये तो हो गया इसका कुछ हिस्टोरिकल व्यू। अब हम लोग कहते हैं कि वायरसेस क्या, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है वायरसेस का? तो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम लोग लेते हैं, सबसे पहली बात तो आपको मैंने बता ही दिया कि ये सब माइक्रोस्कोपिक एंड नॉन सेलुलर है। दूसरी बात, ये काफ़ी छोटे हैं। तीसरी बात, ये हमेशा पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं। ओके, दैट आर ऑलवेज पैरासिटिक इन नेचर। फिर क्या बोलेंगे हम लोग इसे? हम लोग बोलेंगे कि ये या तो RNA के या तो DNA न्यूक्लिक एसिड से बने हुए होते हैं, ठीक है। क्या है? कोई भी वायरस दोनों चीज़ों को कंटेन किए नहीं रह सकता, ठीक है। दे कॉन्स्टिट्यूट आइदर RNA और DNA, ठीक है। कोई भी वायरस या तो RNA का बनेगा या तो DNA से बना होता है। ओके, नेक्स्टली क्या है इसका और कैरेक्टरिस्टिक फीचर? दैट इज, ये इनर्ट होते हैं बाहर और होस्ट सेल में जाके ये लाइव हो जाते हैं। ओके, नेक्स्टली और हम लोग क्या कह सकते हैं कि दे कॉन्टेन न्यूक्लिक एसिड सो दे कैपेबल टू ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, मतलब ये वायरसेस में प्रोटीन भी होता है। ओके, प्रोटीन भी बनता है जिसके कारण ये मतलब कि इनमें इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है जिसके कारण ये प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन भी बनता है वायरसेस में। तो ये सभी चीज़ें हमारे NCERT ने हमें दी थी। नेक्स्टली अब हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग अब कहेंगे कि वायरसेस के बारे में और भी कुछ जानकारी मिलनी चाहिए, वायरसेस का शेप कैसा होता है। तो शेप के बारे में हम लोग चलते हैं, शेप ऑफ वायरस, शेप ऑफ वायरस, ठीक है। शेप ऑफ वायरस क्या है? शेप ऑफ वायरस है, तीन तरह का शेप होता है वायरसेस का। एक होता है स्फेरिकल, एक होता है रॉड शेप्ड और एक होता है द टैडपोल लाइक। स्फेरिकल, रॉड शेप्ड एंड टैडपोल लाइक। ओके, स्फेरिकल शेप्ड का वायरस जो होता है उसका नाम है दैट इज इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, और HIV वायरस भी हमारा स्फेरिकल होता है। रॉड शेप्ड के लिए अगर हम लोग नाम दें तो इसमें आता है हमारा रॉड शेप्ड में TMV वायरस, और द लास्टली टैडपोल लाइक शेप आता है दैट इज बैक्टेरियोफेज, बैक्टेरियोफेज।
ये सारे ही वायरसेस के बारे में हम लोग अभी नेक्स्टली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये बस आप लोग को लर्निंग वर्क है कि वायरसेस का शेप कैसा होता है, तो स्फेरिकल होता है, रॉड शेप्ड होता है एंड टैडपोल लाइक होता है, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्टली पढ़ेंगे द वायरसेस में और क्या थिंग्स होता है। देखिए, वायरसेस कंटेन किए रहता है, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि न्यूक्लिक एसिड कंटेन किए रहता है या तो डीएनए या तो आरएनए, ओके। तो जनरल क्वेश्चन जो हमारा अराइज होता है, जो इसका न्यूक्लिक एसिड है वो कंटेनमेंट क्या है, अगर हम लोग प्लांट की बात करें, ओके, प्लांट वायरस अगर कोई है, ओके, अगर कोई प्लांट वायरस है तो वो क्या कैसा न्यूक्लिक एसिड कंटेन किए रहेगा। प्लांट वायरस जनरली SSRNA न्यूक्लिक एसिड कंटेन किए रहता है। कैसा न्यूक्लिक एसिड? SSRNA। SSRNA क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, मतलब हल्का, ठीक है, लो वेट का RNA इसमें है। लेकिन इसमें भी हम लोग एक्सेप्शन जानते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन है, दैट इज हमारे NCERT ने दिया है एक्सेप्शन का नाम, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस। कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस क्या है कि ये डीएस डीएनए से बना हुआ है, ठीक है, मतलब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बना हुआ है, ओके। समझ में आया बात कि ज़्यादातर प्लांट्स हमारे SSRNA के बने होते हैं, प्लांट वायरस, बट एक है कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एनिमल की ओर, एनिमल वायरस की बात करें तो एनिमल वायरसेस ऑलवेज DDDNA से बना होता है, DD डबल स्ट्रैंडेड DsDNA, ओके, DsDNA से बना होता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं, और साथ ही साथ RNA भी प्रेजेंट इसमें होता है, ओके, डबल स्ट्रैंडेड DNA इज प्रेजेंट, बट इन सम एनिमल वायरसेस RNA इज प्रेजेंट विच इज सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, कुछ एनिमल वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या सिंगल स्ट्रैंडेड DNA से बना होता है, ओके, सॉरी, डबल स्ट्रैंडेड DNA से बना होता है, RNA से, ओके। तो हम लोग जनरल क्या बोलेंगे, ये है मेजॉरिटी, ओके, मेजॉरिटी है कि ऑल द एनिमल वायरसेस आर मेड अप ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA, बट कुछ और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या डबल स्ट्रैंडेड RNA से भी बने होते हैं, ओके। तो ये था कुछ न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन। नेक्स्टली, DNA में प्रोटीन कोट होता है, ओके, जो हमारा वायरस होता है, वायरस में प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट जिसे हम लोग कहते हैं कैप्सिड, ओके, जो भी वायरस है, वायरस प्रोटीन कोट का बना होता है जिसे हम लोग कहते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड का यूनिट क्या होता है? कैप्सिड का यूनिट होता है कैप्सोमेयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ये भी आपको बता दूं कि आप लोग जाने, अभी जाने आप लोगों ने कि जो वायरस होता है वो कैप्सिड को, ये प्रोटीन कोट का बना होता है, ठीक है, वायरसेस में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो क्या है कि वो प्रोटीन जो है उस कोट को हम लोग कैप्सिड कहते हैं, और कैप्सिड का यूनिट्स, मतलब किस चीज़ से वो कैप्सिड बना हुआ, उसका यूनिट्स कैप्सोमेयर्स के नाम से जाना जाता है, ओके, दिस इज द इम्पॉर्टेंट टर्म फ्रॉम वायरसेस, ओके। नेक्स्टली हम लोग करेंगे कुछ वायरसेस के बारे में, कुछ एग्जांपल्स वायरसेस का, जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया मैंने, टाइप्स ऑफ वायरसेस अलग अलग होते हैं, ठीक है, एक है बैक्टीरियोफेज वायरस, एक है टीएमवी के बारे में आप लोगों को थोड़ा बता दूं, नंबर 1 टोबैको मोजाइक वायरस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, आप लोगों को हर एक चैप्टर में इसके बारे में मिलेगा सुनने के लिए, ठीक है। तो टीएमवी वायरस क्या है? टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था। और ये वायरस कैसा है, ये वायरस इसमें जो ये स्ट्रैंड है वो कैसा है? ये है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एज पर आई डिस्कस्ड फ्रॉम यू, दैट इज प्लांट वायरसेस कैसा होता है। देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया था SSRNA का बना होता है, तो देख लीजिए टोबैको मोजाइक वायरस SSRNA का बना हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे टॉपिक्स को। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज वायरस,
बैक्टीरियोफेज होता क्या है कि वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसे हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो ये कैसा वायरस हुआ? जनरली ये एनिमल लाइक वायरस हुआ, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज में क्या है? दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर भी हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर, इसमें हेड होता है एंड टेल होता है, ठीक है, ये सब आप लोगों को देख लेना है, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बैक्टीरियोफेज में कुछ एग्जांपल्स आते हैं बैक्टीरियोफेज का, दैट इज कुछ एक्सेप्शंस भी है बैक्टीरियोफेजेस के, ठीक है। एक एग्जांपल है क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ठीक है, एक एग्जांपल है क्यूबी बैक्टीरियोफेज, जो कि जिसका जो न्यूक्लिक एसिड कॉम्पोनेंट है वो है एस एस आर एन ए। ये क्या है? ये है एक्सेप्शन, ठीक है। और साथ ही साथ एक और बैक्टीरियोफेज है जिसका नाम है, दैट इज 5 × 174 बैक्टीरियोफेज, 5 × 174 बैक्टीरियोफेज, ये है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का बनावा, ठीक है। नेक्स्ट है द नेक्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये वायरसेस इज वायरसेस का कई सारा बीमारी भी होता है, ओके। वायरसेस कई तरह की बीमारियां भी देते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, दैट इज टोबैको मोजाइक डिजीज, तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, लीफ कर्ल ऑफ पपाया है। एनिमल्स का तो कई सारा डिजीज है वायरस से रिलेटेड, आप लोग पढ़ेंगे ही, हमारे अदर चैप्टर्स में भी इससे रिलेटेड टर्म्स हैं, ओके। नेक्स्ट है साइनोफेज। साइनोफेज क्या है? जो साइनोबैक्टीरिया को करेगा इन्फेक्ट, ओके, साइनोबैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करेगा। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है एक्चुअली में? वो है तो प्लांट लाइक साइनोबैक्टीरिया, बट उसमें भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट है माइकोफेजेस। माइकोफेजेस क्या है? वो वायरसेस जो कि फंगस को इन्फेक्ट करेंगे, ओके, तो फंगस को इन्फेक्ट करेंगे तो उसमें, उसको हम लोग माइकोफेजेस कहते हैं। इसमें डीएसआरएनए प्रेजेंट है, ओके, माइकोफेजेस में डीएसआरएनए प्रेजेंट है, माइकोफेजेस इसमें है डीएसआरएनए, ओके। ये सब कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि इनका न्यूक्लिक एसिड कैसे बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम लोग चलते हैं वायरसेस, तो हमारा कंप्लीट हो चुका। वायरसेस में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे, कई सारे वायरसेस के एग्जांपल्स नेम के थ्रू कुछ क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, तो वो वायरसेस का नाम आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, कुछ एनिमल वायरसेस, कुछ प्लांट वायरसेस का नाम, ओके। एनिमल वायरसेस तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, कोल्ड वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, देन दैट इज एचआईवी वायरस, रेट्रो वायरस के नाम से कुछ वायरसेस जाने जाते हैं। रेट्रो वायरस आर ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ एसएसआरएनए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से रेट्रो वायरस कंपोज्ड होते हैं। नेक्स्टली हम लोग करते हैं द वायरॉयड्स एंड प्रियोम्स। ये क्या है? वायरॉयड्स एंड प्रियोम्स के बारे में हमारे, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया है, उसको हम लोग आगे कंटिन्यूएशन करते हैं। वायरॉयड्स, वायरॉयड्स एक्चुअली में वायरस से भी छोटा सब यूनिट है, ओके। वायरॉयड्स क्या है? वायरॉयड्स एक्चुअली में वायरस से भी छोटा सब यूनिट है, ओके। और उसमें खासियत क्या है वायरॉयड्स को, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वायरॉयड्स भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, ओके, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। और इसका खासियत क्या है कि ये लेस, स्मॉलर देन वायरसेस, ओके, और ये ऑलवेज कंपोज्ड किए रहता है, दैट इज एसएसआरएनए। किससे बना हुआ है? एसएसआरएनए से बना हुआ है, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, मतलब वो लो वेटेड है, समझ में आ गया? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए लो वेटेड है, स्मॉलर देन वायरसेस है, ओके, स्मॉलर देन वायरसेस है। इसकी डिस्कवरी की थी डाइनर ने डिस्कवरी की थी। और ये क्या कॉज करता है? इसमें सबसे स्पेशल बात कि इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है, नो प्रोटीन कोट, ठीक है, क्या है? नो प्रोटीन कोट। जैसा कि हम लोगों ने अभी वायरस में पढ़ा था कि उसमें प्रोटीन कोट था, यानी वो हैवियर हो गया, और इसमें प्रोटीन कोट नहीं है, ओके। ये डेनियर ने इसे, इसके बारे में बताया था, इससे एक बीमारी फैलती है, दैट इज कॉल्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ओके।
वायरॉइड्स के बारे में इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमारा नहीं बनता। वायरॉइड्स आर स्मॉलर देन वायरसेस और SSRNA से कंपोज्ड है और इसमें प्रोटीन कोट नहीं है, इसके बारे में जानकारी डेनियर ने दी थी। और साथ ही साथ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज बीमारी ये फैलाता है। नेक्स्ट है द प्रियोन्स। प्रियोन्स क्या है? प्रियोन्स है, अगर हम लोग प्रियोन्स के बारे में जाने तो ये एग्जैक्टली कोई ऑर्गेनिज्म टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये बस डिसबैलेंस ऑफ प्रोटीन है। ओके, डिसबैलेंस ऑफ प्रोटीन है हमारे, जैसा कि NCERT में भी दिया है इसके बारे में। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शंस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। क्या है? प्रियोन्स आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स है, ठीक है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं। ये एक्चुअली में मॉलिक्यूल्स हैं, समझ में आया? कुछ टर्म्स हैं जो कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स के रूप में है, इसके कारण हमारे अंदर कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती हैं। ओके, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हमारे अंदर होती हैं, मतलब ब्रेन से रिलेटेड कुछ बीमारियां होती है इसके कारण। ओके, प्रियोन्स के कारण। और प्रियोन्स के बारे में अगर स्ट्रक्चर के बारे में कहा जाए तो ये सिमिलर टू वायरस होता है। ओके, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू वायरस होता है, ठीक है। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरस, साइज के लिए अगर हम लोग बोले तो ये वायरस के बराबर ही होता है, ठीक है। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रियोन्स। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रियोन्स आर बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ठीक है। एक डिजीज है जो BSE के नाम से जाना जाता है, ये इससे फॉर्म होता है, और इस डिजीज को कॉमनली हम लोग मैड काउ डिजीज कहते हैं, मैड काव डिजीज कहते हैं। और साथ ही साथ एक और बीमारी जो इंसानों में फैलती है उसका नाम है CR जैकोब डिजीज, ठीक है, CJD डिजीज के नाम से जाना जाता है, जो कि ह्यूमंस में फैलता है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं प्रियोन्स। प्रियोन्स क्या है? प्रियोन्स ऑल्सो कॉजेस कुरू डिजीज इन ह्यूमन एंड स्क्राइब डिजीज इन शीप, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना वायरस, वायरॉयड्स एंड प्रियोन्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बारे में आता है, कुछ क्वेश्चंस हमारे नीट में इन सब से बनता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये वीडियो शेयर किया है। वायरसेस क्या है? वायरसेस माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स है, बट उससे भी छोटा वायरॉयड्स होता है, ठीक है, वो भी डिजीज कॉजिंग होता है। साथ ही साथ एक और टर्म हम लोग पढ़ते हैं प्रियोन्स। प्रियोन्स क्या है? प्रियोन्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स है, नॉट एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म नहीं है ये, बस एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स है जो क्या करेगा? डिजीज कॉज करेगा। ओके, डिजीज कॉज करेगा, इसलिए इसे हम लोग जानते हैं। अब बात क्या है इस टॉपिक में कि इन वायरसेस, वायरॉयड्स और प्रियोन्स के बारे में जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें नहीं बताया गया था। ओके, जो विटेकर ने हमारा क्लासिफिकेशन किया था उसमें इनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। लेकिन ये भी तो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी तो डिजीज कॉज कर रहे हैं, ये भी तो हमारे एटमोसफेयर का हिस्सा हैं, हमारे अर्थ का हिस्सा हैं, तो इनके बारे में भी जानना जरूरी है। ओके, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स बनते हैं। वायरसेस बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल टर्म हमेशा से रहा है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, सबको समझ में आए कि वायरसेस होता क्या है, ये वायरॉइड्स क्या है, प्रियोन्स क्या है। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।